हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बर्ड नेक्स्ट बाइट की रेसिपी। ये खाने में काफ़ी टेस्टी होते हैं और इनको बनाना बहुत ही आसान है और ये देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं और प्रेजेंटेबल भी होते हैं। इनको आप शादी पार्टी में भी रख सकते हैं, इसको लोग बहुत ही पसंद करेंगे। और इसकी खास बात यह है कि आप इसको प्रिपरेशन करके फ्रिज में एक हफ्ते के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। आपके घर कोई भी मेहमान आए, आप उनको सर्व कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बर्ड नेक्स्ट बाइट की रेसिपी। आज हम बनाएंगे बर्ड नेक्स्ट बाइट। उसके लिए हमने कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, तो चलिए देख लेते हैं। उसके लिए हमने ग्रेट किया हुआ पनीर लिया है, एक कटा हुआ प्याज लिया है, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर लिया है, थोड़े से कटे धनिया लिए हैं और थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, बारीक कटी हुई हरी मिर्च ली है और ये हमने सेवैयाँ लिए हैं। आप चाहें तो रोस्टेड सेवई ले सकते हैं। और थोड़े से सूखे मसाले लिए हैं, उसमें हमने 1/2 टेबल स्पून नमक लिया है, 1/2 टेबल स्पून अमचूर पाउडर लिया है और थोड़ा सा काली मिर्च लिया है, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला लिया है, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया है और ये मैश किया हुआ आलू लिया है। शुरू करते हैं। हमने मैश किया हुआ आलू लिया है, अब हम इसमें सारे सूखे मसाले ऐड कर देंगे, कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे और थोड़ा सा पनीर ऐड करेंगे और थोड़ा सा पनीर हम रख लेंगे बॉल्स बनाने के लिए। धनिया ऐड करेंगे, हरी मिर्च ऐड करेंगे और लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे, ये हमने बाइंडिंग के लिए डाला है। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इनकी छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे। हम इसमें से थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे, इसको बीच में प्रेस कर देंगे। इसी तरह सभी बॉल्स को बना लेंगे, इसको भी बीच में प्रेस कर लेंगे। हमने सभी को बना के रेडी कर लिया है। अब हम घोल बनाएंगे, तो हमने उसके लिए 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर लिया है, 1 टेबल स्पून मैदा लिया है। अब हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, आप अपने टेस्ट अनुसार नमक ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, हमने घोल को रेडी कर लिया है बना के, इस तरीके का घोल बना है। अब हम इसको घोल में डिप करेंगे। इसको हमने घोल में डिप कर लिया है, अब हम इनको सेवई में लपेट लेंगे। ये देखिए, हमने इसको सेम लपेट लिया है। अब इसी तरह सभी को हम सेम लपेट लेंगे। दूसरे को भी हम इसी तरह घोल में डिप कर लेंगे और इनको भी सेम में ऐसे लपेट लेंगे जैसे हमने पहले किया था। ये देखिए, हमने इसको भी बना के रेडी कर लिया है। दूसरा भी हमारा नेक्स्ट बन चुका है। अब हम इसी तरह सभी को बना लेंगे। ये देखिए, हमने सारे नेक्स्ट को बना के रेडी कर लिया है। अब हम इनको सेट होने के लिए थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे। जब तक हमारे नेक्स्ट सेट हो रहे हैं, तब तक हम चलिए बॉल्स बना लेते हैं। बॉल्स बनाने के हमने पनीर लिया है ग्रेट किया हुआ, इसमें थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, ये 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर लिया है इसको ऐड करेंगे, थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे, तो हम थोड़ा थोड़ा मिक्सचर हाथों पे लेके, ये देखिए हमने बॉल्स बना के रेडी कर लिए। इसी तरह सभी बॉल्स को हम बना लेंगे। ये देखिए, हमने सारे बॉल्स को बना के रेडी कर लिया है। अब हम चलेंगे फ्राई करने नेस्ट को। ये देखिए, हमारा नेस्ट सेट हो चुका है। अब इनको फ्राई कर लेंगे हम।
फ्राई होने के लिए हमने तेल गैस पे चढ़ा दिया है। ये देखिए हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें नेक्स्ट डालेंगे। दूसरे नेक्स्ट को भी डाल देंगे, बहुत सावधानी से डालिए वरना टूट जाएंगे। अब हम इनको पलट लेंगे। ये देखिए हमारे नेक्स्ट गोल्डन फ्राई हो चुके हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे। इसी तरह हम इनको भी फ्राई कर लेंगे। ये भी गोल्डन फ्राई हो चुके हैं, हम इनको भी निकाल लेंगे प्लेट में। ये देखिए हमने सभी को फ्राई कर लिया है, अब हम बॉल्स फ्राई करेंगे। इसको हम हल्का फ्राई करेंगे, इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। इसमें हमने कॉर्नफ्लावर डाला था इसलिए हम इसको फ्राई कर रहे हैं। ये देखिए हमारे बॉल्स हो चुके हैं, हम सभी को निकाल लेंगे। अब हम सभी को डेकोरेट कर लेंगे। हमने ट्रे पे धनिया को गार्निश किया है, इसमें हम एक एक करके नेस्ट रखते जाएंगे। हम नेस्ट को कड़ी पत्ते से डेकोरेट करेंगे। अब हम इसमें बॉल्स को रखेंगे। ये देखिए हमने बॉल्स को रख दिया है, अब हम इसमें थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे। ये देखिए हमारा बर्ड नेक्स्ट बाइट बनके रेडी है और ये बहुत ही टेस्टी बना है। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।